सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो आपका स्वागत है एक नए से ब्लॉग में। तो आज से मेरी केदारनाथ की जर्नी जो है स्टार्ट हो चुकी है। मेरा पैकिंग वैकिंग सब कुछ हो चुका है। सो आप देख सकते हैं ये बैग फुल है मेरा एकदम। यार 15 किलो का तो मेरा बैग है ये। इसको कैसे कैरी करेंगे मुझे समझ नहीं आ रहा है। तो गाइज फाइनली मैं घर से निकल रहा हूँ क्योंकि टाइम बहुत हो गया। मिस यू रॉकी। रॉकी भी जा रहा है मेरा, मैं अकेले जा रहा हूँ। तो गाइज फाइनली मैं जा रहा हूँ घर से। सब सामान मेरा रेडी है तो बाय जा रहे हैं। दिस इज़ माय फैमिली मेम्बर, दिस इज़ माय मॉम। एक बार दिखाती घोड़ी हमें भाई, ठीक है ना। ये देखो, इससे पहले मैं किया था। अब मैं जाता हूँ। तो गाइस फाइनली देखिए मेरे दोस्त लोग आ चुके हैं। जो मेरे पार्टनर है अंश, ये अंश है, ये संगम है। और अभी ऋतिक गया है घर थोड़ा सा सामान लेने अपना। अब जर्नी हम लोग की स्टार्ट होने वाली है बरगवा रेलवे स्टेशन से भोपाल की ओर, और काफ़ी मज़ा आने वाला है। देख सकते कितना बैग है भाई। अब मैं लटकाया हूँ ये, और साथ में ये बहुत काफ़ी ज़्यादा बैग है यार। 1, 2, 3, 4, 5, 6। सो गाइस फाइनली ट्रेन अपने निर्धारित समय से 6 घंटे लेट। हम लोग 7 बजे से यहाँ पे आए हैं और अभी टाइम हो रहा है 12:30 बज रहा है। और मेरे दोस्तों को देख सकते हैं आप क्या हो गया है। इधर देखो कैसा लग रहा है तुमको, बताओ कुछ। बहुत अच्छा लग रहा है। सो गाइस फाइनली अपने ट्रेन आ चुकी है। एक मिनट ना जाने रहे। तो गाइस रात के 2 बज रहे हैं। अब लोग खाना स्टार्ट किए खाना। सो आपको दिखाते हैं अपना खाना कितना हम लोग का खाना है भाई यहाँ पे। ये देखिए फर्स्ट पनीर चिल्ली, सूखी सब्जी, पनीर चिल्ली, फिर पनीर, फिर यहाँ पे और इधर भी है, देख सकते हैं। मतलब खाने का हम लोग पूरा सबसे बेस्ट खाना रखे हैं, ठीक है ना। अब सो जाएंगे हम लोग, ज़्यादा देर तक ब्लॉग नहीं रहेगा। फिर सीधा हम लोग मिलेंगे आपको भोपाल में, या फिर कहीं पे स्टॉपेज होगा वहाँ पे मिलेंगे, ठीक है ना, क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा लगेगा हम लोग। तो गाइस ट्रेन हम लोग की जो है 5 घंटे डिले है, और अभी हम लोग पता नहीं कहाँ पहुँचे, अभी कुछ अंदाज़ा नहीं है। बस यहाँ से 50 किलोमीटर अभी दमोह है, तो उसको कवर करते हैं। ब्रश हम लोग कर चुके हैं, बस अभी जाते हैं ब्रेकफास्ट करते हैं जो रखे हम लोग। एंड एक भाई भी मिल गए हैं मेरे को, चीनू। सो गाइस ये जा रही है लोकल ट्रेन अभी, रीवा कटनी सतना, मतलब ये रीवा कटनी सतना जाती है, आप देख सकते हैं इस ट्रेन की। तो गाइस 370 किलोमीटर कवर करने के बाद हमारी अपनी ट्रेन आ चुकी है दमोह, और दमोह का स्टेशन कोड है DMO। और यहाँ पे एक जंक्शन कोई पॉइंट नहीं है, और ट्रेन हम लोग की डिले है आज 6 घंटे। तो आप देख सकते हैं दमोह स्टेशन का कुछ वो, एंड इधर आप ट्रेन हम लोग की देख सकते हैं, ये ट्रेन हम लोग की है। तो भाई यहाँ पे पानी मिल रहा है फ्री में, बहुत अच्छा मिल रहा है। थैंक यू भैया। तो भाई पानी हम लोग को मिल चुका है, बहुत ही अच्छा पानी यहाँ पे। एंड चलते हैं हम लोग, ट्रेन यहाँ से अराइव होने वाली है। तो स्टार्ट हो गई ट्रेन हम लोग की, एंड हम लोग की सीट जो है आपको दिखा देते हैं। और ये लोग का पानी है, बॉटल। तो गाड़ी हमारी यहाँ से अराइव हो चुकी है, तो सीट है यहाँ, तो साफ सफाई मेंटेन अच्छा है, ये देख सकते हैं ये व्यू है। और काफ़ी अच्छा मतलब जर्नी हो रहा है, बट ये सबसे बड़ी दिक्कत ये होती है ट्रेन की, जो डिले है ना 6 घंटे डिले है। मतलब उनकी टाइमिंग जो कि भोपाल पहुँचने की वो 7 बजे तक थी, 7 बजे तक हम पहुँच जाते हैं, बट ऐसा नहीं हुआ। हम लोग पहुँचेंगे वहाँ पे भोपाल 2 बजे 2:30 बजे पहुँच पाएंगे भोपाल। तो चलते हैं सीट उठाते हैं, आराम करते हैं, भोपाल पहुँचते हैं या फिर किसी और जगह पहुँचते हैं, कुछ होता है अच्छा तो आपको दिखाते हैं। फिर तो सीधा मिलेंगे भोपाल, ठीक है ना। क्योंकि यार काफ़ी थक भी गए हैं, मज़े नहीं आ रहे, चलते हैं सीधा सीट पे अपने। तो ये आ गया कुरकुरे, और ये रहा चिप्स, ये लोग खा रहे हैं पूरा फल खा रहे हैं। अंश खा रहा है, क्या अंश खा रहे हो? ऑरेंज खा रहे हैं। और ये हम लोग की सीट है, देख सकते हैं काफ़ी मस्त है, चार्जिंग पॉइंट। हम लोग का स्वागत भी हो रहा है भाई, देख सकते हैं आप, ये स्वागत के लिए हम लोग किया गया था पूरा, देख सकते हैं अपना पूरा दुकान हिला दिया है ये। तो गाइस देखते हैं, हम लोग अभी सफ़र तो कर रहे हैं, हम लोग मतलब ये अजमा रहे हैं कि कोई हम लोग को मिल जाए अपने घर के आसपास का। तो चलते हैं ट्राई करते हैं कोई मिल जाए हम लोग के आसपास का। क्योंकि हम लोग को इस ट्रेन में बरगवा को कोई भी तक दिखा नहीं है, शायद कोई दिख जाए।
अरे दीदी दिख गई, दीदी कहाँ जा रही हैं आप? गाइस पानी की भीड़ देख सकते हैं, पहले पानी पी लेते हैं यहाँ पे। ये देखिए भीड़ यहाँ पे पानी की। गाइस हम लोग 447 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करने के बाद हम लोग पहुँच गए हैं सागर। स्टेशन कोड है SGO और स्टेशन में कुछ ऐसी भीड़ लगी है पानी के लिए, क्योंकि यार इतना ज़्यादा गर्मी है ना ट्रेन में कि मैं क्या ही बोलूँ। तो आप भीड़ भीड़ देख सकते हो स्टेशन में पानी के लिए, यहाँ पे लोग फ्री में पानी पिला रहे हैं, घड़े वाला पानी। एंड ये रहा स्टेशन। टोटल 660 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करने के बाद हम लोग पहुँच चुके हैं भोपाल जंक्शन में। एंड अभी हम लोग स्टेशन के बाहर हैं और ट्रेन हम लोग की 10 घंटे डिले थी भाई लोग, क्या बताऊँ मैं। जो कि सुबह उसका टाइम था सुबह 7:30 बजे, हम लोग अभी पहुँचे हैं शाम को 5 बजे। एंड बहुत लंबा ब्लॉग अब नहीं होगा क्योंकि थक चुके हैं हम लोग पूरा ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। सीधा हम लोग मिलेंगे आपको रूम में या फिर एक नए से ब्लॉग में। ये ब्लॉग अभी यहीं एंड करते हैं, थक गए हैं। सो आप लोग ये लोग को भी देख सकते हैं। तो यही था आज का ब्लॉग, अभी जो कंटिन्यू ब्लॉग होगा आपको पूरा दिखाऊँगा, ठीक है।